कांड में आठ चौपाइयां और छंद सोरठा मिलाकर के ऐसा आया है कि जिसमें आठ बार सुंदरकांड में सुंदर का प्रयोग किया गया है। कितना? सुंदरकांड में आठ बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, आठ। मैं प्रमाण के सहित आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको स्मरण आएगा। पहला, सबसे पहले रामचितमानस में सुंदरकांड की पहली चौपाई, पहला दोहा और पांचवी चौपाई, वहां पर लिखा हुआ है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर और कौतुक कोदी चढ़ोता ऊपर। तो पहला सुंदर कहां आया? सुंदरकांड के पहले दोहे की पांचवी चौपाई। ठीक, अब दूसरा आप लोग देखेंगे, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। तो सुंदर शब्द का प्रयोग दूसरी बार आया रामचितमानस के सुंदरकांड के तीसरे दोहे के बारहवीं चौपाई के अंतर्गत। फिर सुंदर आया श्याम सरोज ताम सम सुंदर और प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। तो तीसरा जो सुंदर आया रामचितमानस के सुंदरकांड के दसवें दोहे की तीसरी चौपाई। चौथी बार सुंदर आया तब देखी मोत्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर। तो चौथी बार जो सुंदर आया सुंदरकांड के तेरहवें दोहे के पहली चौपाई में। पांचवी बार सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा और लागी देखी सुंदर फल रूखा। पांचवी बार सुंदर, पांचवी बार आया रामचितमानस की सुंदरकांड की सत्रहवें दोहे के सातवें चौपाई। छठवीं बार सावधान पुनि मन कर शंकर और लागे कहन कथा अति सुंदर। श्री रामचितमानस सुंदरकांड 33वां दोहा तीसरी चौपाई। सतवीं बार हर श्री राम तब कीन पयाना और सगुन भय सुंदर शोभनाना। रामचितमानस सुंदरकांड 35वां दोहा चौथी चौपाई। और आठवीं बार जो सुंदर आया सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति। रामचितमानस का सुंदरकांड का 58वां दोहा दूसरी चौपाई। और सुंदरकांड का महत्व इसलिए भी है कि सुंदरकांड में आपने देखा होगा ना दोहा से शुरुआत है ना सोरठा से शुरुआत है, डायरेक्ट चौपाई से शुरुआत है। ताकि आप देखेंगे चाहे जो कांड आप देखिए या तो दोहे से शुरुआत हुआ है, बोलो हाँ या ना, लेकिन सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जहां पर दोहे से प्रारंभ नहीं हुआ है। जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। अच्छा, अब जामवंत से काहे शुरुआत हुआ है? क्योंकि हनुमान जी क्या है, बोले हनुमान जी क्या है, बोले दुई पांव वाले नहीं है, चार पांव वाले। तो चार पांव वाले हनुमान जी इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस कांड का, इसलिए चौपाई से यह कांड प्रारंभ हुआ है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आप एक और विचित्र बात देखेंगे, रामचितमानस का जो शुरुआत हुआ है वह वर्णमाला के आठवें अक्षर से प्रारंभ हुआ है। और वर्णमाला का आठवां अक्षर क्या है? का खा गा घा अंगा चा छा जा। आठवां अक्षर क्या है? जा। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि आठवीं अक्षर से ही सुंदरकांड प्रारंभ क्यों हुआ है? क्योंकि अष्ट सिद्धि, हनुमान जी के पास आठ प्रकार की सिद्धियां हैं,
और आठ प्रकार की सिद्धियों का वर्णन श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में आया है। इस नाते आठ चौपाई आठवें अक्षर से यह प्रारंभ हुआ है बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब आप लोग पूछेंगे कि आठ सिद्धियां क्या हैं? बोले अरिमा गरिमा चैव महिमा लघिमा तथा अप्राप्ति ही प्राक्रम्य इसी तुम बसित त्वचा। आठ प्रकार की सिद्धियां हैं अरिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राक्रम्य इसित्व और वशित्व। तो आठ प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है सुंदरकांड में, इसलिए और आठ प्रकार की सिद्धियां किसके भीतर है? बोले हनुमान जी के। इस नाते सुंदरकांड का जो प्रारंभ है वो आठवें अक्षर से प्रारंभ है, का खा गा घा अंगा चा छा ज आठवां अक्षर। बोले श्री रामचंद्र भगवान अच्छा कल हम आप लोगों को सुनाए थे कहां तक? बोले सबसे पहले हमने कल प्रारंभ किया था पहली सिद्धि जिसका नाम है अरिमा सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। हनुमान जी एक पर्वत था उस पर कूद करके चढ़ गए हंसते हंसते। अच्छा अब आप लोग पूछेंगे कि हंसते हंसते चढ़ गए क्यों? जानते हैं जो बालक जो जवान युवान अपने से बड़ों का सम्मान सदैव करता है ना, वो बड़े से बड़ी ऊंचाई पर हंसते खेलते हुए चढ़ जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और हनुमान जी कितने बड़े बुजुर्गों के सम्मान करने वाले हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जामवंत के वचन सुनाए जामवंत में पूछो तो ही। अच्छा बताइए हनुमान जी ज्ञानी कम है क्या? आप लोग पढ़िएगा हनुमान चालीसा का पहले चौपाई क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। अब यहां रुक जाइए। अच्छा दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसके पास खाली ज्ञान ही ज्ञान हो, अज्ञान ना हो, गुण ही गुण हो, दोष ना हो, है कोई? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता रे संसार गुणवान भी है और दोषवान भी है। बोलो हाँ जी कि ना जी। लेकिन अच्छा दुनिया में ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर खाली दोष है दोष हो। बोलो अगर दोष है तो गुण भी है और गुण है तो दोष भी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की पूरा विश्व दुर्गुण में भी है और गुण में भी है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके अंदर दुर्गुण कोई है ही नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ज्ञानी भी है और गुणवान भी है। अच्छा आज अगर कोई दो चार अक्षर पढ़ लेता है या थोड़ा सुंदर हो जाता है या कोई पद पा जाता है ना, तो ऐसे अकड़ करके चलता है जैसे कोई ऊंट चल रहा हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन एक बात बताऊं, सर सबज बदलते देखा है उजड़ों को भी बसते देखा है और जो बहुत अकड़ कर चलते थे मुंह के बल गिरते देखा है जो बहुत अकड़ कर। अच्छा बताओ जो ऐसे करके चलेगा और कहीं गड्ढा पर गया तो पांव भी मच जाएगा कि नहीं या कहीं कांटा पड़ गया तो चूह जाएगा कि नहीं या कहीं कोई आगे ईंटा पत्थर कंकड़ आ गया तो वह उसमें चोट खा जाएगा कि नहीं। और नीचे देखने वाले की सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि वह जब भी चलेगा रास्ते से तो कम गिरने से बच जाएगा। भले थोड़ा विलंब होगा लेकिन कम से कम गिरने से तो बच जाएगा। इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। और ये सुंदरकांड जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं हनुमान जी का चरित्र ना, ये अभिमान का हनन करने वाला ही कथा है।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान भरने वाला है बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा बताओ हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी क्या करते हैं? बोले जामवंत मैं पूछो तो ही। देखिए आपका ज्ञान और महान हो जाता है तब जब आप अपने से बड़ों के सामने बैठते हैं और कहते हैं पिताजी, गुरुजी, पंडित जी, महाराज जी, साधु जी, संत जी, आप जो कहो हम वही मानेंगे। तो आपकी ज्ञान में चार चांद लग जाता है, आपका ज्ञान और उच्च स्तर का हो जाता है बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छी बात और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या किसी गांव में एक लंगड़ा था और एक अंधा था? कहानी तो लोग सुनकर के हंसेंगे, लेकिन बंधुओं माताओं ये हंसने वाली कहानी नहीं है। अब लंगड़े की ये मजबूरी थी कि चल नहीं पाता था और अंधे की मजबूरी थी बेचारा देख नहीं पाता था। गांव में आग लग गई, अब दोनों जल जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि एक भाग नहीं पाएगा और एक देख नहीं पाएगा तो जलेंगे तो दोनों। पूरे गांव वाले भाग गए, जब देखा कि आग की लपटें एकदम नजदीक आ गई हैं, तो लंगड़े ने अंधे से कहा भैया हम दोनों बच सकते हैं। कहा कैसे? कहा कि मैं तुम्हें अपना अनुभव दे देता हूं और तुम मुझे अपना बल दे दो बोले सच्चिदानंद भगवान की, हम दोनों बच जाएंगे। अब आप पूछेंगे अंधा कौन? बोले आज का जो ईवान है यही अंधा हो चुका है संसार की कुरीतियों में फंस करके बोले सच्चिदानंद भगवान की, और इतना अंधा हो चुका है कि ना तो वेद को मानता है, ना शास्त्र को मानता है, ना गुरु को मानता है, ना गौ को मानता है, ना माता को मानता है, ना पिता को मानता। श्रीमद् भागवत में लिखा है यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे वै च विद्वेषः सावा आसु विनश्यति। जो माता पिता गुरु वेद शास्त्र संत महापुरुष की बात नहीं मानता सावा आसु विनश्यति, उसको विनाश के मार्ग पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। लंगड़ा कौन पता है? बोले बुढ़ापा। आपने देखा होगा लंगड़ा कौन? बोले लाचार। आपने देखा होगा माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? लाचार हो जाते हैं। अब बच्चा अगर पैसा दे दिया तो एक टिकिया मंगा लेंगे, बस बच्चा पैसा दे दिया तो खेत में खाद डलवा देंगे, बच्चा पैसा दे दिया तो खेती किसानी करवा देंगे, और बच्चा पैसा ही ना दे तो पिताजी दिन भर बेचारे उल्लू की तरह घर के बाहर बैठे रहते एकदम लाचार, बोले तो गाली खाएं। घर में बहुएं अपमानित करती हैं, बेटा अपमानित करता है, समाज अपमानित करता। बोलो हाँ जी कि ना जी? तू ज्ञान हो लेकिन ज्ञान में अगर विनम्रता हो तो ज्ञान और आगे बढ़ा देता है। तो हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन उसके बाद भी जामवंत में पूछो तो, और परिणाम क्या निकला? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर और कौतुक कूद चढ़े उठा ऊपर, ऊपर चढ़ रहे ऊंचाई प्राप्त करने। चौपाई में क्या आ गया? बोले अरिमा। अच्छा अब दूसरा है गरिमा। हनुमान जी की गरिमा आपने देखा होगा, जे ही गिर चरण दे हनुमन दा, जे ही गिर दे चरण हनुमन दा, चले उसका पाताल तुरंता, है। और गरिमा क्या है? बोले जिमी अमोघ रघुपति करवाना, और ये ही भांति चलो हनुमान। तो हनुमान जी की गरिमा क्या है? बोले जैसे राम जी का बाण चलता है वैसे हनुमान जी आगे बढ़े। तो अब आपने सुन लिया महिमा, लघिमा और गरिमा बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा अब आप देखें कि हनुमान जी ने चौथा जो प्रयोग किया लघिमा, लघिमा क्या है? बोले अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो कैसे बन गए हैं? बोले अति लघु रूप माने छोटे बन गए। संकेत क्या है? जब भी आप घर से बाहर निकलो
तो उस समय अपने आप को छोटा ही समझो, क्योंकि मान लो चौराहे पर आप जा रहे हो और आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो और किसी से आपने तकरार कर लिया, आप अकेले हो, वो चार हैं, तब क्या करोगे? जोर से बोलो है? तो वहां आपको क्या करना है? आपको वहां लघु बन जाना है। आप भले ही अपने घर के कितने बड़े हैं शेर हो, लेकिन जब आप 10 लोगों के सामने आइए, किसी शस्त्री के सामने आ जाइए, तो वहां बिल्कुल विनम्र हो जाइए, भैया हम तो अपने गांव के सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े ऐसे व्यक्ति हैं कि महाराज जिसको ना कोई पूछता है ना कोई जानता, हमारी कोई औकात नहीं, तब तो काम बन जाएगा। और अगर कहीं अकड़ करके खड़े हो गए तो पकड़ करके पीट देगा, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ये संकेत क्या है? अति लघु रूप। अच्छा, हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो आपको मैंने कल रात्रि में बताया था कि हनुमान जी ऊंचाई पर खड़े हो गए, गिर पर चढ़ लंका नहीं देखा। तो किसी ने पूछा कि हनुमान जी ऊंचाई पर क्यों खड़े हैं? कहा भैया दुनिया को जब भी देखिए तो ऊंचाई पर ही जाकर के देखिए, क्योंकि आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो ना किसी की अच्छाई दिखेगी ना किसी की बुराई दिखेगी। और जो व्यक्ति नीचे है ना, वो बार बार कहता फलाने हमको गरिया रहे थे, भाऊ फलाने हमसे रिसियाए हैं और हमसे बोलते नहीं है, वो हमको मानते नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो भगवान की कृपा से ऊंचाई पर पहुंच गया, डीएम बन गया, एसपी बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, उसको तो 200 लोग रोज गाली देते होंगे, 2000 लोग गाली देते होंगे। अब मान लो कोई चौराहे पर गाली दे रहा हो, प्रधानमंत्री जी फोन करके पूछे भैया काहे करी आ रहे थे, तो ईमानदारी से बताओ तो 24 घंटा खाली यही करते रहे। इसलिए जब भी आप समाज में आगे बढ़िए तो ऊंचाई में जाइए, समाज को देखना तो ऊंचाई से देखिए। और जिस दिन आप ऊंचाई से देखोगे, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर, ना कोई ऊंचा दिखेगा ना कोई नीचा दिखेगा, ना कोई छोटा दिखेगा ना कोई बड़ा दिखेगा, ना कोई मित्र दिखेगा ना कोई शत्रु दिखेगा, इस नाते ऊंचाई से देखिए। अच्छा आप लोग जहाज में कभी बैठना, खिड़की वाली सीट पर जाना, तो वहां से आप देखेंगे जब जहाज उड़ता है तो सारी बिल्डिंग एक बराबर हो जाते हैं, चाहे वो बड़का बिल्डिंग हो और चाहे छोटका बिल्डिंग। तो जिस प्रकार से ऊंचाई पे उड़ने वाले जहाज से देखने पर सारी बिल्डिंग छोटी छोटी दिखते हैं, उसी प्रकार से अगर आप जीवन की ऊंचाई पर आगे बढ़ोगे तो सारे संसार के लोग समान दिखेंगे, ना कोई आपका मित्र दिखेगा ना कोई शत्रु दिखेगा। दुनिया के शीश महल में हम किसको ठोकर मारे, शीश महल का हर एक शीशा अपना लगता है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। निज प्रभु मैं देखे जगत तो कहिसन करहि विरोध, फिर किससे विरोध करोगे? तो हनुमान जी ऊंचाई पर देख रहे हैं। अच्छा ऊंचाई से उन्होंने क्या देखा? बोले लंका। अच्छा अब एक बात और आपको बताऊं, हनुमान जी लंका देख रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते कि लंका क्या है? जानते कि नहीं जानते? और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लंका आनंद रामायण सार कांड सर्ग संख्या 9 के अनुसार मैं आप बताऊं कि ये लंका कहां बसा हुआ है। एक बार जब गजेंद्र और ग्राह दोनों लड़ते लड़ते सरोवर के किनारे प्राण त्याग दिए, तो जब दोनों मर गए, क्योंकि ग्राह को तो भगवान ने चक्र से मार दिया और गजेंद्र इतना थक गया था कि वह भी मर गया, तो गरुण ने कहा कि प्रभु मुझे बड़ी भूख लगी, मुझे भोजन चाहिए। भगवान ने कहा गरुण आप चले जाओ सरोवर के किनारे, वहां पर दो जीव हैं, उनको जाकर के खा लो। अब गरुण जी आए, गजेंद्र और ग्राह को खाने लगे, तो देख रहे हैं कि एक भूभृंग नाम का गिद्ध वह भी मांस खा रहा है। बस करुण जी ने उस भूभृंग नाम के गिद्ध को मार दिया और गजेंद्र ग्राह और उस भूभृंग नाम के गिद्ध को चोंच में दबाकर पंजे में दबा करके उड़ गए। और जब उड़ करके पहुंचे तो एक वृक्ष जिसका नाम था जम्बूनद, जम्बूनद माने जानते हैं जमुआ। अच्छा जमुआ का जो वृक्ष होता है बड़ा आरर होता, माने बड़ा कमजोर होता है, उस पर हनुमान जी उस पर गरुण जी बैठ गए। और जैसे गरुण जी बैठे तैसे वो डाली टूट गई, और डाली टूटी
तो नीचे बाल खिल नाम की ऋषि तपस्या कर रहे थे। गरुण जी को लगा ये भी मर जाएंगे बेचारे, तो ये डाली को भी पंजे में फंसा करके गरुण जुड़ बैठे और एक समुद्र के किनारे डाली को रख करके उसी के ऊपर बैठ करके इन तीनों का मांस खाया और तीनों की अस्थियों से पहाड़ बन गया। कूट माने हड्डी और तीन माने तीन, तो तीन के हड्डियों से जो पहाड़ बना उस पहाड़ का नाम हुआ त्रिकूट। बोली सच्चिदानंद भगवान की गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका और तह रह रावण सहज ससंका। तो त्रिकूट पर्वत बन करके तैयार हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ विष्णु जी के पास वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक है, लेकिन हमारे पास तो ना कोई लोक है। हम तो बैठे रहते दिन भर कैलाश पर्वत पर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। शंकर जी ने कहा देवी एक दिन हम अपनी कुंडली देख रहे थे, तुम्हारी कुंडली में लिखा था कि मकान का सुख नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पार्वती जी ने कहा कि कर्म करने वाले को सुख मिलता है, आलसी को नहीं। आलसी को कभी सुख नहीं मिलता, पुरुषार्थी क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में दिख सके आदमी के मग में। और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है एक गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। आप आलस न करिए, देखिए भवन बन जाएगा। शंकर जी ने विश्वकर्मा जी से कहा विश्वकर्मा जी एक भवन बनाओ। भवन बन करके तैयार हो गया सोने का। सोने का भवन बन गया। पार्वती जी ने कहा इतना बढ़िया भवन बना है तो बिना पंडित जी के पूजा के कैसे काम चलेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। हम तो चाहते हैं क्योंकि बढ़िया पंडित जी हमें तो पूजा पाठ हो जाए तब प्रवेश किया जाए। शंकर जी बोले हमारा एक विद्यार्थी है। कहा कौन? कहा रावण है। कहा उसको बुलाओ बढ़िया पूजा कराता रे, बड़ा विद्वान है। पार्वती जी ने बुलाया, रावण आया। अच्छा रावण कौन सी जाति में जन्म लिया? बोले राक्षस। अब आप लोग पूछेंगे राक्षस की परिभाषा? बोले रक्षति इति, जो सदैव दूसरे के धन को अपना मान करके उसका सदैव रक्षा करे उसी का नाम क्या है? राक्षस। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि कल तक कुछ नहीं थे, धीरे धीरे लूट खसोट मार पीट इधर उधर कब्जा करके महाराज ऊंची बिल्डिंग बना ली। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो संपत्ति दूसरे की और रक्षा करके उसको, रक्षा माने कब्जा करके अपना बना लेना, इसी का नाम क्या है? जोर से बोलो, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे। क्या है वो? हैं? देखो आवाज नहीं आ, डरिए ना, माता कोटेश्वरी जी आपके साथ है। उसकी क्या परिभाषा है? राक्षस। पार्वती जी ने देखा कि हो गया कार्य पूरा। पार्वती जी ने कहा कि पंडित जी दक्षिणा उक्षिणा कुछ बता दीजिए। हालांकि जबकि शास्त्र में लिखा है कि दक्षिणा प्रेम सहिता यथा शक्ति समर्पिता अनंत पूर्ण फलतामेन ग्रहण परमेश्वरः। कोई भी यजमान अपने श्रद्धा से ब्राह्मण को दक्षिणा दे और ब्राह्मण जो कुछ पाता है उसी में संतुष्ट हो जाए तो यजमान का यज्ञ सफल हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जहां ब्राह्मण और यजमान तकरार करते हैं वहां यज्ञ कभी सफल नहीं माना जाता। ध्यान दीजिएगा, प्रेम से जो मिले स्वीकार कर लो। तो रावण ने कहा कि माता जी हम क्या आपसे मांगे, आपका पुरोहित बनने का सौभाग्य मिला, इससे ज्यादा क्या चाहिए? नहीं नहीं बेटा कुछ बता दो। कहा माता जी कुछ में अगर सच में बताऊं तो यही जो हम गृह प्रवेश कराएंगे भवनों में हमें दे दो। बोले सच्चिदानंद भगवान। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा भोले बाबा ये क्या? बोले चलो, पहले कहे थे कुंडली में हमारे नहीं, पहले कहे थे कि कुंडली में नहीं है। यही बात भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली कविता संख्या 6 अध्याय संख्या 6 और कविता संख्या 10 में कहा है कि बकसीस ईस जोगी खेस हे तो देखियत और जिस कांटे लगत कहती हे री मैं तेरी सो। रावण ये जो तुझे लंका मिला है ये शंकर जी ने बख्शीस में दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बख्शीस में कवितावली अध्याय 6 कविता 10। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
वहां पर लिखा हुआ है। आचार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ही भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी जी चलें, पार्वती जी ने कहा चलिए, रावण लंका का बन गया राजा। और जब रावण लंका का बन गया राजा तो इसने अपने लंका को अलग ढंग से इसने बसाया। विश्वकर्मा जी ने जो बनाया था तो बनाया ही था, लेकिन रावण ने इसको अलग ढंग से बनाया। बोले कैसा बनाया? बोले इसमें 40 कोस का खाली बगीचा बनाया। बोले सच्चिदानंद भगवान, कितना? 40 कोस का इसमें केवल उपवन बनाया। कितना? 40 कोस। उपवन माने जानते हैं ना, बाग बगीचा, क्योंकि रावण बाग बगीचा लगाने का बड़ा शौकीन था। उस समय राक्षस भी वृक्ष लगाते थे और आजकल के हमारे भारतीय भी वृक्ष को काटते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, ध्यान दीजिएगा, जितना ही वृक्ष काटोगे उतना ही सूखा बाढ़ आदि की स्थिति से बने रहोगे, जितना ही वृक्ष काटोगे उतने तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते रहोगे। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर आप वृक्ष लगा नहीं सकते तो कम से कम काटने का कार्य मत करिए। और बंधु माताओं ध्यान से सुनिएगा, 40 कोस में उपवन बनाया, 5 लाख पत्थर का मकान बनाया। किसका? पत्थर का। 9 लाख पीतल का मकान बनाया, 20 करोड़ तांबे का मकान बनाया, 4 करोड़ सोने का मकान बनाया, 1 करोड़ रत्न का मकान बनाया और 6 करोड़ घास फूस की झोपड़ी बनाई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना विशाल लंका बन करके तैयार हो गया। और जब लंका बन करके तैयार हो गया तो उस समय रावण के यहाँ संख्या कितनी थी, जनगणना भी किया गया तो पता चला कि रावण के यहाँ संख्या कितनी है। बोले कहाँ पता चलेगा कि रावण के यहाँ कितने लोग रहते थे उस समय? बोले वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग संख्या 35, श्लोक संख्या 15 उठा करके पढ़िएगा तो पता चलेगा। 100,000 करोड़ 36 आयुत 36,000 3600 राक्षस उस समय लंका में थे। बोली सच्चिदानंद भगवान की, जब हनुमान जी लंका गए थे तब की बात बता रहा। कितना? 100,000 100 करोड़ 36 आयुत 36,000 3600 राक्षस रावण के लंका में थे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब विचार करिएगा, इस तरह से लंका में तमाम राक्षस हैं। हनुमान जी ने सोचा अब लंका में चलना चाहिए, तो लंका में कैसे चले? जाने के लिए तैयार ही थे कि रावण की बिटिया आ गई जिसका नाम था क्रौंचा। रावण की बिटिया ने आकर के हनुमान जी को ललकारा, ओ हनुमान जी, ओ बंदर, कहां जा रहा है? हनुमान जी ने देखा ये भगवान इधर, एक महिला की आवाज कैसे आ रही है? तो देखे बड़ा विशाल शरीर हाथ में खड़ग लेकर के आ गए। तो हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन? कहा मैं रावण की पुत्री हूं। तो कहा रावण की पुत्री हूं? कहां? कहा कैसे? तो उसने बताया कि महाराज एक बार जनक जी रास्ते से जा रहे थे, एक पतिव्रता स्त्री जल भरने जा रही थी। राजा जनक जी ने देखा कि 4 बजे के समय में ही एक स्त्री पानी भरने जा रही है, पीछे पीछे लग गए। तो जल भर करके आ रही थी, उन्होंने पूछा इतनी जल्दी जल भर के क्यों आ रही हो? उस नारी ने कहा मैं पतिव्रता हूं, मैं जल भर करके जल्दी से घर पहुंचूंगी, जल अपने पति को पिलाऊंगी, पति जाकर के बाहर बैठेगा, उसी समय मेरे ऊपर छत का हिस्सा गिरेगा और मैं मर जाऊंगा। जनक जी ने कहा तुम्हें ये कैसे पता है? कहा मैं पतिव्रता हूं। अच्छा, तो कुछ और भी बता जाओ। तो कहा अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो बस इतने बताना है कि अभी अभी आपने गाय देखा होगा, गाय बछड़े को दूध पिला रही थी, वो गाय भंगिन बनेगी और वही भंगिन का बेटा रावण का दामाद बनेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की, वो बछड़ा ही बेटा बनेगा और रावण का दामाद बनेगा। राजा जनक जी को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब जाकर के पहुंचे तो देखे कि जैसे ही वो जल रखी अपने पति को प्रणाम की, छत गिरा और वो मर गए। राजा जनक ने कहा रावण
पहुंच करके लंका में, जल्दी सावधान हो जाओ, तुम्हारी बेटी का विवाह भंगी के लड़के के साथ होगा। रावण ने कहा कि विधि के विधान को मेटने का काम हम करते हैं। जनक जी ने कहा ये पागल है, इसको समझाना बेकार है, बोली सच्चिदानंद भगवान की, चले आए। लेकिन रावण भीतर से डर रहा है। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी सुन ले, अगर तुझे बेटी हुई तो मैं तुझे मार डालूंगा, लेकिन भगवान की कृपा को कौन रोक सकता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। एक दिन रावण को पता चला कि महाराज गांव में एक भंगिन है, उसको बेटा हुआ है। रावण ने कहा कि तो बात सच हो रही है। रावण ने कहा कि इसके पहले बांसुरी बजे बांस को ही मिटा दो, मंत्री जाकर उस बालक का सर काट दो। मंत्री ने कहा सरकार बालक छोटा सा है, समाज में गलत संदेश चला जाएगा, आपको अगर उसको मारना ही है तो जंगल में छुड़वा दो। रावण ने उस बालक को जंगल में छुड़वा दिया और कहा कि जब लौटना तो उसके पांव का अंगूठा काट लेना, कि अगर कभी मिले तो कम से कम पता तो चले कि यही बालक है। पांव का अंगूठा काट लिया गया और जब अंगूठा काट लिया गया 6 दिन तक बालक जंगल में रोता रहा। एक दिन ब्रह्मा जी ने विधात्री से कहा, विधात्री अगर बालक मर गया तो विधि का विधान मिट जाएगा, जल्दी से जाकर उसको दूध पान करा करके आओ। विधात्री ने उसको दूध पिलाया, उसको पाला पोसा बड़ा किया। जब वो बालक बड़ा हो गया तो विधात्री चली गई, लेकिन बता गई कि जब कल सुबह तुम जाओगे नदी के उस पार तो वहां का राजा मर गया है, वहां के लोग तुम्हें राजगद्दी देंगे और सहर्ष राजगद्दी स्वीकार कर लेगा। ठीक, राजा बनकर के यह राजगद्दी पर बैठ गया। उस पार जाकर के प्रजाजनों की खूब सेवा होने लगी और इतनी नीति से राजकाज करने लगा कि तीनों लोगों में इसकी ख्याति फैल गई। एक दिन रावण अपने घर आया विश्व विजय करने के बाद, मंदोदरी से पूछा, मंदोदरी बड़ी उदास है, क्यों? कहा महाराज आप जब चले गए थे ना तो आपकी ही अंश आपकी बेटी हमसे जन्म ली है। रावण को क्रोध आया, लेकिन तब तक रावण के नाना ने आकर के रोका, कहा देखो अब जब जिसने जन्म ले लिया उसको मारोगे काहे, और वैसे भी तुम्हारा शत्रु तो जंगल में तो मर ही गया होगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। रावण ने सोचा बिटिया का विवाह करना चाहिए। रावण को पता चला कि एक राजा है जो तीनों लोकों में उसका ख्याति है, चलो उसी से अपनी बिटिया का विवाह कर दे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। रावण ने आकर के कहा राजन हम अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहते। राजा ने कहा भाई हमको प्रजा ने बनाया है, राजा अगर ये कहेंगे तो बात मान लेंगे। ठीक है, प्रजा ने कहा महाराज बिना पत्नी के कोई यज्ञ कार्य करना एक पुरुष के लिए नहीं अच्छा होता है, तो आप यज्ञ कार्य करेंगे, राष्ट्र के सम्मान में खड़े रहेंगे, तो कम से कम विवाह कर लीजिए। विवाह हो गया। रावण ने देखा एक फेरा, दो फेरा, तीन फेरा, चार फेरा हुआ, और जैसे सतवा फेरा हुआ रावण ने ऊपर हंस देख करके हंसा और हंस करके कहा ओ देवताओं तुम कहते थे कि हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात, लेकिन देखा मैंने विधि के विधान को मेट दिया। तुमने कहा था कि रावण की बेटी का विवाह भंगी के साथ होगा, लेकिन देखो हमने कितने बड़े राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। देवताओं ने कहा रावण तुमने लड़के का गुण देखा, चरित्र देखा, भाव देखा, स्वभाव देखा, लेकिन उसके पांव का अंगूठा देखा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे रावण ने पांव का अंगूठा देखा और तैसे घबरा करके कहने लगा ओ हो हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हाथ। राम जी जो चाहेंगे वही होगा, दूसरा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसने कहा महाराज मैं वही करूं चाहूं रावण की पुत्री। हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने क्रौंचा का वध कर दिया। क्रौंचा का वध करके आगे बढ़े। पुर रखवारे देख कप, पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसा। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय राम राम राम, 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 जय जय राम राम राम। पुर रखवारे
सवारे देखी बहु कप मन कीन विचार अति लघु रूप धरौन से नगर करो पैसा जय जय राम 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 जी ने कृपा किया हनुमान जी ने रूप बनाया अति लघु रूप माने एकदम छोटा सा रूप बनाया कौन सा रूप बनाया छोटा सा और जब छोटा सा रूप बनाया किसी ने पूछा कितना बड़ा रूप बनाया भाई छोटे का एक है? छोटा रूप बनाया लेकिन उसका भी तो कुछ होगा ना एक बित्ता दुई बित्ता एक अंगुल दुई अंगुल चार अंगुल कितना छोटा तो गोस्वामी जी ने लिखा कितना छोटा रूप बनाया रामचरितमानस सुंदरकांड तीसरा दोहा पहली चौपाई मसक समान रूप कपि धरी मसक समान रूप कपि धरी मसक समान रूप कपि धरी मसक समान रूप कपि धरे लंग कहीं चले वो सुमेरे नर हरी मसक समान रूप कपि धरी अब एक संत कहते इतना छोटा रूप बनाया जैसे कोई मच्छर अच्छा मच्छर को लोग भले छोटा समझे लेकिन मच्छर से भी खतरनाक कोई नहीं है बोलो और नर मच्छर से भी खतरनाक मादा मच्छर होती है एक बार अगर काट ले तो समझो डेंगू होना ही होना है बोलो हाँ जी कि नहीं जी तो मच्छर अच्छा मच्छर से मिलता जुलता एक शब्द और है मत्सर जो जागते समय काटे वो मत्सर और जो सोने पर काटे मच्छर बोली सच्चिदानंद भगवान की जय अच्छा अब किसी ने कहा कि जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठिया कहाँ गया आजकल तो तमाम तार्किक हैं ये बेचारे पूछने लगते हैं कि जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठिया कहाँ गया अब समस्या ये है कि भाई अगर न बतावें तो लोगों को संदेह बना रहेगा तो पहले अब आपको बता दूं कि उस समय के जोधा कितने बड़े बड़े थे और जब जोधा का पता चल जाएगा तो मच्छर का भी अनुपात पता चल जाएगा तो उस समय एक जोधा था जिसका नाम था कुंभकर्ण अब कितना बड़ा था जोजन तीन तीन के काना और 22 जोजन बाहों अजाना और 2 जोजन की नाक जो बाढ़ी जोजन एक मूछ रह ठाढ़ी 64 जोजन जांघ लंबाई 7 जोजन तन बरन न जाई कनक भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा रावण माँ किस कोटि घट मद अरु महिष अनेक बोलो कितना विशाल जोजन तीन तीन के काना कौन है कुंभकर्ण है ब्रह्मा जी तो बेचारे कांप गए देख करके जो यह खल नित करई आहारा होई बेग चौपट संसारा सारद प्रेरिता सुमत फेरी मागिस मास नींद खटकेरी बेचारे को कहा कि जल्दी ये सो जाए नहीं तो दुनिया खत्म हो जाए शारदा मैया ने कृपा किया बेचारा 6 महीना निद्रासन मांग लिया इंद्रासन के जगह और इतना भयानक राक्षस युद्ध मैदान में आया बानरों को इसे पकड़ता जैसे लोग मूंगफली नहीं खाते हैं वैसे कुंभकर्ण बंदरों को खाता था भालुओं को खाता था नाश्ता कर जाता था सुग्रीव बेचारे भाग रहे थे बस इसे पकड़ा पकड़ करके खा लिया सुग्रीव को रामचरितमानस में लिखा है और जब खा लिया सुग्रीव बेचारे पेट में वही बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं भगवान कैसे बाहर निकले कैसे बाहर निकले और तब तक मूर्छा आ गया भयभीत हो गए और जब सुग्रीव की मूर्छा बीती निकल गए तब कान सपीटी कान के रास्ते से निकल करके सुग्रीव भागे जैसे मूर्छा खत्म हुआ अब बताओ जिसके कान से सुग्रीव भाग सकते हो वो कुंभकर्ण इतना बड़ा तो रहा नहीं होगा बोले सच्चिदानंद भगवान रावण का एक दिन का खुराक बताऊं कुंभकर्ण का एक दिन का खुराक बताऊं रावण माकिस कोट घट मद और महिष अनेक 1 करोड़ घड़ा मदिरा पीता था और 1 करोड़ खड़ा भैंसा खाता था अब विचार करो जो इतना बड़ा है तो ईमानदारी से बताइए तो मच्छर अगर आज वाले मच्छर होते तो चाहे 2000 मच्छर बैठे हो क्या मतलब बोले सच्चिदानंद भगवान की बोलो अच्छा हमारे यहाँ सब किसान भैया बैठे कथा सुनने पशु को काटता है मसा और भैंस गोरू को काटता है डसा बोलो
जो मनुष्य को काटता उसको क्या बोलते हैं, मसा। अच्छा 2000 मसा बेचारे किसी भैंस के ऊपर बैठे कोई मतलब है, लेकिन उसको काटता है कौन नशा, तब उसको पता चलता है बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो उसी प्रकार से जब कुंभकर्ण इतना बड़ा है तो उस समय का मच्छर भी बिल्ली से कम तो रहा नहीं होगा बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो अगर मान लीजिए हनुमान जी बिल्ली कितना बड़ा रूप बनाए, वैसे भी एक अमरकोश में मशक का एक भाव बिल्ली भी है, तो मानो हनुमान जी ने रूप बनाया बिल्ली कितना बड़ा, और अगर मान लो बिल्ली कितना रूप बनाया होगा तो अंगूठी तो इतने बड़ा रहा होगा। तो अगर अंगूठी उन्होंने मुंह में रख लिया तो कोई बहुत ज्यादा संदेह की बात नहीं है बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मशक माने क्या। वैसे भी हनुमान नाटक में लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने बिल्ली कितना बड़ा रूप बनाया, लेकिन अब एक समस्या और हो गई। कहा क्या, कहा हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, लेकिन जैसे लंका पहुंचे तो देख रहे नरसिंह जी का मंदिर बना हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा चापलूसी किया जाए। नरसिंह जी के चरण में हाथ जोड़ करके बोले हम आपके यहाँ है रक्षा करना, और जैसे बोले नरसिंह जी से हमारा रक्षा करना, एक संत कहते नहीं नहीं नर हरि का मतलब है कि जो नर रूप हरि, यानी जो हरि नर के रूप में आए हैं हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं, एक संत का ये भाव है। लेकिन एक संत ने कहा कि नरसिंह भगवान का मंदिर था और हनुमान जी ने सोचा भाई यहाँ आए हैं तो चलो इनको प्रणाम कर लें जिससे थोड़ा हमारा काम आसान हो। लेकिन एक बात और बता दूं, आप जिसको मानिए उसको हृदय से मानिए, किसी के समझाने पर उसको छोड़ मत दीजिए बोली सच्चिदानंद भगवान की, तब उसको कहते हैं निष्ठा। आजकल तो बेचारे माला बार बार बदलते हैं, आजकल चंदन बार बार बदलते हैं, आजकल तो महाराज इष्ट मित्र बार बार बदलते हैं, आजकल रिश्तेदार बार बार बदलते हैं, और आजकल तो हमने देखा है कि दो चार बोरा गेहूं चावल मिल जाए तो लोग धर्म भी बार बार बदलते हैं बोली सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दीजिएगा, एक बार एक जगह हम गए तो कुछ लोग हमसे बोले गुरुजी हम ईसाई बन गए। हमने कहा काहे, कहा मंदिरों में जाकर हम चढ़ाते हैं और जब हम चर्च में जाते हैं तो उपहार पाते हैं। हमने कहा भैया एक बात बताऊं, किसी गांव में एक महात्मा जी थे और किसी का छुआ पानी नहीं पीते थे। एक दिन उनके यहाँ एक महिला आई, उसने कहा गुरुजी हम आपके लिए खीर लाए हैं। बोली बिटिया हम किसी का खिलाया खाते नहीं है, किसी का बनाया खाते नहीं है। उस बिटिया ने कहा कि खीर भी तो भगवान का ही दिया हुआ, भगवान को भोग लगता है, भगवान की सौगंध है, आपको खा लीजिए। महात्मा जी ने खा लिया और खीर खाने के साथ ही उसका दुर्गुण भी इन्होंने खा लिया। अब कहने लगे बेटा खीर बड़ा अच्छा था, कल फिर बना के लाना बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब जो बेचारे किसी का छुआ पानी नहीं पीते थे, अब वो उसके हाथ का रोज खीर खाने लगे। तो एक दिन उन्होंने पूछा खीर तो बड़ा अच्छा बनाती हो, किस परिवार से हो? तो उसने कहा गुरुजी हम तो परिवार हमारा न पूछिए, लेकिन साथ ही साथ हम जो है ऐसे परिवार से हैं जिनके परिवार में कोई पानी नहीं पीता। हमारे यहाँ गला काटा जाता है, बकरा काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है, गाय काटी जाती है। महात्मा जी ने कहा अरे हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया बोली सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही तो होता है। आजकल रमजान का समय आया, चलो भैया सेवई खा लो। हम ये नहीं कहते कि आप किसी धर्म की बुराई करो, भाई वो अपना धर्म मानते हैं, आप उनका धर्म सपोर्ट करो, माने अपने धर्म को, लेकिन उनसे भी कहो सेवई आप लाओ तो हम भी दुर्गा जी का ये लड्डू लाए हैं, प्रसाद लाए हैं, आप एक हाथ से आप खाओ एक हाथ से हम खाएं, तब तो भाईचारा दिखाई पड़े बोली सच्चिदानंद भगवान की। और अगर आप नहीं खाओगे तो हम काहे खाएं भैया, ईमानदारी से बताओ, बोलो आप नहीं खाओगे तो हम काहे खाएं। आजकल लोग क्रिसमस आया था, हमने देखा हैप्पी क्रिसमस डे, गुरु नानक जी जिन्होंने अपने बेटों के सहित राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया उनको लोग भूल गए। माताओं हम अपने धर्म को, अच्छा एक बात, दूसरे का पाप अगर बहुत अच्छा हो और बहुत पैसे वाला हो तो आप उसको पापा कहोगे कि अपने वाले को पापा कहोगे? बोलो पापा किसको कहोगे, अपने वाले को कि जो बहुत कमाता है उसको पापा कहोगे? तो आप
आपका पापा चाहे कम कमाता हो चाहे ज्यादा कमाता हो, आप अपने ही बाप को बाप कहोगे। हमारा बाप राम है, हमारा बाप कृष्ण है, हमारे बाप हनुमान जी शिव जी हैं। तो ईमानदारी से बताइए, जब इतने हमारे यहाँ हैं तो हमें दूसरे को भजने की जरूरत क्या? ईमानदारी से बताओ। एक बार एक सज्जन बोले, हिंदू धर्म इसलिए अच्छा नहीं लगता कि उसमें तमाम देवता हैं, किसको पूजें किसको न पूजें। हमने कहा एक बात बताऊं, फायदा भी तो है। कहा क्या है? हमने कहा कि मान लीजिए इस्लाम में आप जाइए तो एक देवता है उनके, कौन देवता है? अल्लाह। क्रिश्चियन के धर्म में जाइए तो वहां एक देवता है उनके, ईसा मसीह। अच्छा मान लो अगर एक देवता है वो नाराज हो गए तो फिर कोई ऑप्शन है कि दूसरे के यहाँ जा पाओगे? ईमानदारी से बताओ। और यहाँ गणेश जी नाराज हो तो शंकर जी को पकड़ो, शंकर जी नाराज हो तो हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी नाराज हो तो दुर्गा जी के पास जाओ, दुर्गा जी के पास ना कोई काम बने तो कृष्ण जी के पास जाओ, कृष्ण जी के पास कोई काम ना बने तो राम जी के पास जाओ। कोई तो कोई सुनेगा बोले सच्चिदानंद भगवान की। जैसे मान लो आपका कोई काम अटका है, चौकी इंचार्ज नहीं सुन रहे हैं, थाना पर जाओ, थाना अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, एसपी सीओ साहब के पास जाओ, सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, एसपी साहब के पास जाओ, एसपी साहब नहीं सुन रहे हैं, आईजी डीआईजी, इसके बाद आप जाकर के महाराज मुख्यमंत्री जी से शिकायत करिए। कोई तो कोई सुनेगा बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन एक बात बताओ, जब एक रास्ता है, अब वो रास्ता बीच में बाढ़ है, गंदगी है, कचरा है, कीचड़ है, तो कैसे न गाड़ी निकालोगे बताओ? और हिंदू धर्म में तो कम से कम इतने रास्ते हैं, चाहे जो उन्हें रास्ते से जाओगे एक ना एक दिन हाईवे पर पहुंचोगे ही, बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है।